मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बचाने का खेल जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को सीएम हाउस से बयान जारी करके कहा है कि हमारे पास बहुमत है, इसलिए हमें फ्लोर टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। बेंगलुरु में ठहरे विधायक दबाव में हैं, उन्हें यहां आना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने भी भोपाल जाकर बेंगलुरु जाकर कुछ गलत नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने किसानों की पहली किस्त में कर्ज माफ किया है, दूसरी किस्त में कर्ज माफी का काम चल रहा है। इस्तीफा देने वाले विधायक पहले दिल्ली में मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे कोई शिकायत ही नहीं की थी। दिग्विजय सिंह का बेंगलुरु जाना गलत नहीं है। बेंगलुरु में ठहरे कांग्रेस विधायक दबाव में है, उन्हें यहां आना चाहिए। अगर इस्तीफा देना था तो आकर मुझे इस्तीफा देते, इसमें कोई खराबी नहीं थी। हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बंधक विधायक मेरे संपर्क में है। विधायक का ये बयान, कमलनाथ का ये बयान बेहद ही महत्वपूर्ण है, उस वक्त जब विधायक भी कह रहे हैं कि इनके बागी विधायक भी कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करानी चाहिए। लेकिन इसके बाद से जब ये कमलनाथ का बयान आया, और ये बयान शाम को करीब 5:43 पर आया, और बयान जारी होने के बाद से लगातार ये सवाल उठने लगा है कि क्या कमलनाथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, यानी वो हर हाल में इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं और वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा उनको अब फूटी आंख से भी मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहती है। भाजपा का आरोप है कि उनके पास विधायकों का वो गणित जादुई आंकड़ा मौजूद ही नहीं है जिससे वो मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से बयानों को सुन लिया है और फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी ये सोचने देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा बयान है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट नहीं करेंगे, वो क्यों करें? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी कमलनाथ अपने बयान पर काबिज रहेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।